आपका नाम क्या है? अनीता इंसा। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हो? मैं 1998 से जुड़ी हुई हूँ जी। बहुत समय हो गया आपको। किस तरह का माहौल आपने यहाँ पर देखा है? मैंने तो यहाँ माहौल अच्छा देखा है, कोई मैंने गलती नहीं देखी है यहाँ पे। काफ़ी टाइम से आती हूँ मैं, मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, अब तो मैं उनकी शादी कर चुकी हूँ बच्चों की, तब से मैं यहाँ आ रही हूँ। और मैंने सेवा भी करी है, अंदर तेरा वास में भी सेवा करी है, और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जैसा बताया गया है। ये सब साजिश है, झूठ बोलते हैं। मीडिया वालों को रिश्वत चाहती थी, रिश्वत लेने की वजह से हमारे गुरुजी ने रिश्वत बिल्कुल लेना और देना बिल्कुल बंद कर रखी है। उन्होंने कहा हम रिश्वत नहीं देंगे, इसलिए ये उछाला गया है केस। जितना उछाला गया है इसमें सच कुछ नहीं है। क्या समाज के लिए भी काम किए हैं गुरुजी ने? समाज के लिए तो बहुत काम किए हैं। ये वेसवा जिन्हें लोग बाग वेसवा कहते हैं, हमारे पिताजी ने उन्हें सुखदेवा समाज का मतलब दर्जा दिया है, और उनके इलाज करवा के इंजीनियर लड़कों से उनकी शादी करी है, उन्हें गंदगी से ला के उन्हें अपनी बेटी बनाई है और बेटी बना के उनकी शादी करी है। जो इंसान बेटी बना के शादी कर सकता है वो दूसरों के साथ में ऐसा करेगा? और अगर ऐसा कराया तो डिनर टेस्ट क्यों नहीं करवाते, क्यों नहीं सच्चाई सामने लाते, क्यों ऐसा कर रखा है, क्यों नहीं अब तक सामने लाए हैं? बिना उसमें 2002 का केस और आप पकड़ाया उन्होंने, तो क्यों पकड़ाए इतने दिन बाद? कोई सच्चाई तो सामने पेश करो, उस लड़की को तो सामने लाओ जिसने ऐसा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अरे जो दूसरों को भी समझाते हैं कि बेटा गलत काम नहीं करना है, गलत काम से बचो, वो खुद ऐसा काम करेंगे जिसके 7 करोड़ संगत है, जिसके इतने बड़े बच्चे हैं, जिनका इतना बड़ा ओहदा, वो इतनी हरकत करेंगे। आपको क्या लगता है आज कितने लोग उनके साथ होंगे, आज कितने लोग विश्वास करेंगे? उनके साथ तो बहुत लोग हैं, अब भी विश्वास नहीं हटा है। हमारा तो हटा ही हटा नहीं विश्वास, ना कभी हटेगा। जान चली जाएगी पर विश्वास नहीं हटेगा। मतलब इतना भी क्यों विश्वास करते हो? हम विश्वास यूँ करते हैं कि हम सब कुछ, उन्होंने इंसानियत और क्या नाम मानवता भलाई सब कुछ सिखाया उन्होंने हमें, और हम हैवान थे और उनकी उस शिक्षा से हम इंसान बने हैं, तो हम उन्हें कैसे भूल जाएंगे? एक बार को हम भगवान को भूल जाएंगे पर गुरु को नहीं भूलने के हम। मेरे पति हैं एक्सीडेंट, 20 टांगों का ऑपरेशन है, वो भी आ रहे हैं, जिसलिए डॉक्टर ने उन्हें कह रखा ना कि 1 साल नहीं आना, पर वो आ रहेंगे। पिताजी की रहमत है, उनकी रहमत से इतना बढ़िया ऑपरेशन हुआ है, यहाँ का ऑपरेशन है, उन्होंने दर्शन दिए ऑपरेशन के टाइम और ऑपरेशन खड़े होकर करवाया, तो इससे ज़्यादा और करिश्मा हमारे लिए क्या होगा? क्या करिश्मा होगा हमारे लिए, और हम क्या किसी को मानेंगे? समाज को जरूरत है, समाज को इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है जितनी माँ को अपने बच्चे की लगाव, इतना हमें गुरुजी से लगाव है, हमें इतनी गुरुजी की जरूरत है। हमें एक पल भी बहुत भारी दिख रहा है, हम तो ये चाह रहे हैं कि घड़ी की चौथाई में पिताजी हमारे सामने आ जाए। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से हमारी ये अपील है कि अगर सरकार सच साबित करे तो गुरुजी को अंदर रखे, और ना हमारे गुरुजी को जल्दी से जल्दी छोड़े।